हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनर। मैं हूँ राशि से। सर, इस वीडियो में शायद थोड़े बैड वर्ड्स का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि जो हमारे सो कॉल्ड जो रिव्यूअर्स है या फिर जो जो पब्लिक है जो रंडी रोना रो रहे फिल्म फेयर का अवार्ड्स को लेकर के, गली बॉय को मैक्सिमम अवार्ड्स मिल चुके हैं जबकि वो फिल्म डिजर्व भी नहीं करती, तो मैं इन लोगों से इतना ही बोलूंगा कि इस तरीके का रंडी रोना रो के कोई फायदा नहीं। क्योंकि अगर आप लोगों ने आमिर खान, जॉन अब्राहम और सलमान खान उनके पुराने कहीं वीडियोस को आपने चेक किया होगा, तो आप लोग तभी समझ चुके होंगे कि ये जो फिल्म फेयर अवार्ड है या जितने भी हमारे इंडिया में जो अवार्ड शो होते हैं नेशनल अवार्ड छोड़ के, बाकी सारे के सारे फेक होते हैं। तो ये जो एक्टर्स होते हैं बड़े बड़े, वो ये सब चीजों का टेंशन नहीं लेते, उन लोगों को मालूम है ये फेक अवार्ड है। और मोस्टली जो बड़ी बड़ी जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो लोग अवार्ड इसी वजह से देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उस वक्त कौन सा बड़ा एक्टर है जिसकी वजह से लोग हमारे शो को देखेंगे, यानी टीआरपी बढ़ाने के लिए उन लोग ना उन एक्टर्स को बुलाते हैं और स्पेशली उनको अवार्ड देते ताकि वो लोग इस शो में आए और स्पेशल फ्री में डांस करके चले जाए। तो ये जो चुतियागिरी जो ये सब तुम लोग चला रहे हो ना, बॉयकॉट फिल्म फेयर, ये सबका कोई लेना देना नहीं है। ये उन लोगों को बोलो जिनको इस चीज के बारे में मालूम नहीं था। हम लोगों को ना इसके पीछे की रियलिटी बहुत सालों से मालूम थी, लेकिन गनीमत यह कि मेरा उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, लेकिन अब फाइनली यूट्यूब चैनल आ गया। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो जो चल रहा है ना, सब चूतिया बनती है। जो उन लोगों को टीआरपी चाहिए था वो टीआरपी मिल गई है और फिल्म फेयर बहुत ज्यादा हिट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इसमें कोई सेंस ही नहीं बनता, क्या चूतियागिरी चला रही है, फालतू गिरी है। क्योंकि ये सदियों से चलता आ रहा है, ये चलता रहेगा। पैसे के आगे सब बिक जाते हैं, बड़े बड़ी चीजें पैसे के लिए होती है। और ये जो बॉलीवुड है ना, इसमें इतना पैसा है ना कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये सब चीजों में चुतियागिरी बंद करो। और उसके अलावा अब जो दूसरा है वो क्वेश्चन ये था कि बॉलीवुड को कौन सी इंडस्ट्री टक्कर दे रही है। तो देखो, फिलहाल अगर हम लोग इंडियंस है तो एज इंडियंस में बताओ तो हमारे बॉलीवुड को अगर कोई टक्कर दे तो वो है KFI, यानी कनाडा फिल्म इंडस्ट्री। क्योंकि आज की तारीख में सैंडलवुड एक ऐसी ऐसी फिल्में बना रहे, एक ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पे फिल्म बना रहे जो बॉलीवुड ने आज तक नहीं देखा था। और बॉलीवुड, मुझे ऐसा लगता है कि अब जितनी भी वो KFI की फिल्में लेके रीमेक बनाएगा, देख लेना डेफिनेटली। क्योंकि देखिए, मैं कुछ महीनों से KFI की मूवीज देख रहा हूं और मैं पर्सनली आपको बोल रहा हूं कि बॉलीवुड में उसकी आज की तारीख में हाफ भी नहीं बनी, मतलब उस लेवल की। यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़े बड़े एक्टर का क्या नाम बड़े और दर्शन छोटे हो रहे, और जितने भी जो न्यू कमर है वो पता नहीं कौन सी फिल्में बना रहे समझ के पर है, मतलब। और आजकल गाने बॉलीवुड के तो इतने थर्ड क्लास हो गए, वर्डिंग्स आपको समझ में नहीं आते। और म्यूजिक है गाने में के वो कुछ समझ भी नहीं आता। और फिर जो चूतिया जो है बॉलीवुड लवर्स को पसंद किए जा रहे, और मुझे धमकी देते कि भाई तुम्हारा चैनल हैक कर देंगे। अबे, मेरा चैनल हैक करना कर दो, ये जो टेंशन है ये यूट्यूब में वीडियोस बनाना रोज, ये टेंशन से दूर हो जाए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं तो कुछ लेके भी नहीं आता, और अल्लाह का शुक्र है मुझे इस यूट्यूब चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं। क्योंकि यहाँ से कुछ भी यूट्यूब से कुछ अर्निंग नहीं होती, ऐसी बड़ी बड़ी बात है, वड़ा पाव खाते हुए हिसाब से कुछ अर्निंग नहीं है। इसी में अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए बनाता हूं, और आप लोगों तक एक सच बात जो है वो पहुंचाने के लिए मैं यूट्यूब में हूं, बस, और कुछ भी नहीं है मेरा। तो करना तो कर दो, और ये बॉलीवुड के चूतियागिरी जब तक चलते रहेगी जो उनके चूतिया फैन जिंदा है, जब ये चूतिया फैन खत्म हो जाएंगे तो बॉलीवुड जो है ना अपनी लाइन पे आ जाएगा, चाहे वो अवार्ड शो हो या फिल्में बनाने में हो। फिल्मों के नाम पे एकदम कलंक हो गया बॉलीवुड, और कुछ भी नहीं है बॉलीवुड में भी बचा हुआ, सिर्फ बड़े बड़े एक्टर्स और कुछ नहीं है। बॉलीवुड ने अच्छी अच्छी फिल्में बनाया एक जमाने में, मैं मानता हूँ, लेकिन आज की तारीख में अभी प्रेजेंट का देखो ना, प्रेजेंट 2020 में तानाजी को छोड़ के कौन सी फिल्म है जिसमें एक अच्छी चीज देखने को मिली, बताओ। तीसरा सवाल ये कि बॉलीवुड को अब बॉयकॉट करना चाहिए। तो देखिए, बॉलीवुड को बॉयकॉट करो या नहीं करो, एक मशहूर फिल्म में डायलॉग था कि जब तक सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। तो बस वही हिसाब है, जब तक बॉलीवुड है तुम उसको ना बॉयकॉट कर सकते हो ना उसको नजरअंदाज कर सकते हो, बस तुम एक ही चीज हो सकते हो, वो है चूतिया बनना, और तुम चूतिया बनते रहोगे। तो बॉयकॉट ये जो शब्द है ये भूल जाओ, कुछ फायदा नहीं है, कुछ होने वाला ही नहीं है। चौथा, अब लोगों का इंटरेस्ट किस तरफ बढ़ रहा है बॉलीवुड की मूवीज के अलावा। ठीक है, बॉलीवुड की मूवीज के अलावा जैसे कि मैंने कहा, साउथ इंडस्ट्री की जितनी मूवी, चाहे वो टॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, मॉलीवुड हो, या तो फिर KFI हो यानी सेंडलवुड हो, तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज है ये बॉलीवुड से आज की तारीख में ज्यादा अच्छी फिल्में बना रही है। और इनमें एक्चुअली अच्छी चीज ये कि इनके जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही रियलिस्टिक होते हैं, इनके बजट ज्यादा हाई नहीं होते, कुछ ही फिल्मों के बजट हाई होते हैं, लेकिन मैक्सिमम सभी जो फिल्में होती है वो एक कम बजट में बनती है, लेकिन उनका प्रॉफिट बहुत होता है। और उस फिल्मों में ना आपको एक मिट्टी की खुशबू आएगी। आप साउथ की फिल्में देखोगे तो आपको ना एकदम ग्राउंडेड लेवल पे फिल्में बनती है। अब बॉलीवुड की फिल्में देखोगे तो मतलब आपने कभी सोचा नहीं था वो सब चीज देखोगे, जैसे कि करण जौहर और
बलते बलते जो डायरेक्टर है जोया अख्तर, उन लोगों की फिल्मों में ऐसी ऐसी कहानी होती है जो मतलब रियलिटी से काफी दूर होती है, और वो लोग सोचते हैं कि हम लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री को चेंज करेंगे, मगर एक्चुअली वो लोग ऐसी चूतिया वाली फिल्में बनाते हैं जिससे जो यंगस्टर है वो यंगस्टर लोगों के जहन में से फालतू चीजें आती है और कुछ भी नहीं है। तो लोगों को अच्छी अच्छी चीजें देखना है, वो इसीलिए अब ये इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, साउथ की इंडस्ट्री की तरफ। या तो फिर आजकल जो दूसरा ऑप्शन लोग चूज कर रहे हैं वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, यानी कि नेटफ्लिक्स और अमेजोन। ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म है फिलहाल मैं रिकमेंड करूंगा सबको, जिसमें आपको अलग हटके और फ्रेश कंटेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ऐसे इंडियन भी है नेटफ्लिक्स हो या अमेजोन हो जिसमें बहुत जबरदस्त सीरीज बना रहे, मूवीज भी बना रहे, और ऐसे फॉरेनर्स है जो जबरदस्त वेब सीरीज बना के डाल रहे। तो मेरे हिसाब से अगर बॉलीवुड को हटाकर अगर आपको कोई ऑप्शन चूज करना है तो या तो आप साउथ की फिल्में देखो, या तो फिर अगर आप थोड़े एजुकेटेड बोल रहे हो, हम लोग थोड़ा मल्टीप्लेक्स वाली ऑडियंस है, तो फिर सबसे तुमको अच्छी चीज बताओ तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स या अमेजोन, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बस रंडी रोना बंद करो, और फिल्म फेयर अवार्ड किसी को भी मिले उससे कोई लेना देना, क्योंकि जब एक्टर लोग नहीं सोचते तो तुम और हमारा क्या लेना देना भाई। सोच के फिल्में देखना है देखो, नहीं देखना तो मत देखो, क्या इतना टेंशन लेने का, सुकून से रहो ना। और बस इतना बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो में बनाने का मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि दो तीन दिन से देख रहा हूँ काफी बड़े बड़े यूट्यूबर लोग जो रंडी रोना रो रहे हैं, तो उसके कोई लॉजिक ही नहीं बनता, चुतिया गिरी है। वो स्टार्स लोग देख के हंसेंगे क्योंकि उन लोगों को खुद मालूम है कि फेक चुतिया गिरी है, जो हम सिर्फ ऑडियंस को एडा बनाते टीआरपी के चक्कर में और ऑडियंस बनती जाती है। तो बस ज्यादा बनो मत, होशियारी से अपना काम लो और अच्छी चीजें चुनो, जैसे कि अरहान एंटरटेनमेंट। तो भाई मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, दिल जाए दुआ में याद रखना, मैं हूँ आशीष शेख।